बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोमला विक्टोरियंस और ढाका डायनामिक्स के बीच शुक्रवार को हुए मुकाबले में विक्टोरिया ने जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तमीम इकबाल ने तूफानी पारी खेलते हुए एक बार फिर चौके छक्के लगाते हुए टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। तमीम ने 61 गेंदों में शतक लगाते हुए 141 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल थे। तमीम के कारण ही कोमला विक्टोरियंस ने दूसरी बार बीपीएल का खिताब जीतने में कामयाब रही। ढाका डायनामिक्स का कप्तान सकीब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। बल्लेबाजी करने उतरी कोमला विक्टोरियंस के खिलाड़ी इमान लुइस ने दूसरी ओवर में आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे तमीम इकबाल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह देखने वाली थी। तमीम की बल्लेबाजी के बदौलत टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 199 रन बनाए और खड़ा करा बड़ा स्कोर। लक्ष्य का पीछा करने उतरे मैदान में उतरे ढाका डायनामिक्स की शुरुआत धीमी रही, लेकिन उपुल तरंगा और रोनी ताड़कुन की जोड़ी ने 8 ओवर में स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन उपुल रोनी के साझेदार टूटते ही टीम बिगड़ गई और 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 182 रन बना सकी। PM News 24 की रिपोर्ट।